एक दफ़ा का जमाना एल्डोरिया के जादुई मुल्क में अलारोक नाम के हकीम और नेक बादशाह रहता था इसकी बहुत खूबसूरत बेटी सिराफीना जो कि इलाके में अपनी मुस्कान और मोहब्बत के लिए मरूफ थी इसका वारिस थी एल्डोरिया जादुई मुल्क था और उसके जंगलात में एक राजी जादूगर मोरगाना रहती थी एक दिन जब सीराफीना जादुई जंगलात का खुद खोजती हुई घूमती हुई अचानक एक छुपा हुआ गिरोह मिलता है जहां मोरगाना रहती है मुख्तलिफ अफवाहें इंतजार हुई होती कि मोरगाना शरीर है लेकिन सिराफीना ने जल्द ही देख लिया कि ये अफवाहें गलत हैं। सिराफीना और मोरगाना के बीच दोस्ती बढ़ती है उन्होंने अपने दिलों को खोल कर एक दूसरे को समझा और उनका दिल हम आहम हो जाता है एक दूसरे की कमी में वो जादुई इल्म में भी महारत हासिल करती हैं अक्सर दिनों ने एक दूसरे के साथ खिली दिल से मुख्तलिफ़ क़स्से बांटें और एक दूसरे से सीखीं इनकी दोस्ती मजबूत होती है लेकिन अचानक एल्डोरिया को ख़तरा महसूस होता है एक शैतानी जादूगर मालगर्म एल्डोरिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखता है राजा अलारुक जो ख़तरे का इतबाह हासिल करता है मुल्क को बचाने के लिए सिराफीना और मोरगाना की मदद हासिल करता है सिराफीना और मोरगाना ने एक मुशतरका कार्रवाई का फैसला किया वो एक खास आइटम यूनिटी क्रिस्टल्व को ढूंढने के लिए रास्ते में निकलती हैं जो एक पाक दिल शहज़ादी और एक दानाई जादूगर के मिलने से हम आहन लाता है उनका सफ़र खतरनाक होता है जिसमें दोस्ती और जादुई सलाहियतों का इम्तहान लिया जाता है मिलगर्म और उसके चमचे भी उनकी राह में आते हैं अखवी जिदोजहद में सीराफीना और मोरगाना ने यूनिटी क्रिस्टल को चालू करने का कामयाब फ़ैसला किया यह चमकता हुआ क्रिस्टल मिलगर्म की तारिकी को दूर करता है और मुल्क में तोज़ुन को बहरानी देता है एल्डोरिया बच गया लोगों ने मोरगाना की असलत को जानना शुरू किया और देखा कि दोस्ती और यकजहती में कितनी ताकत होती है सीराफीना ने नीक दिल्ली और मोहब्बत के साथ हुकूमत करना जारी रखा जबकि मोरगाना ने मुल्क की जादुई हिफाजत करने का किरदार अख्तियार किया एल्डोरिया की दास्तान नस्लों भर के लिए बयान होती रहती है एक दोस्ती की दास्तान जो प्रथम इतराजात और छुपी हुई मोहब्बत की बातें करती है जादुई ज़मीन एल्डोरिया में